हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोवेस जीएम क्रीम के बारे में। ये बहुत बेहतरीन क्रीम है। ये आपके दांत, खाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर आपको है तो ये किस तरीके से आपको मदद करती है, कौन सा कंटेंट, कौन सा फॉर्मूले किस काम में आते हैं, हर एक चीज़ आपको डिटेल में पता चलने वाली। 5 से 10 दिनों में आपकी दांत, खाद, खुजली, ईचिंग वगैरह, स्किन पे, त्वचा पे किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी बीमारी है, आपको बिल्कुल राहत मिलने वाली है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो दोस्तों, आपके हमारे चैनल DRX विवेक हेल्थ एंड ब्यूटी में बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि आपको सही जानकारी और सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्लोवेस जीएम क्रीम के बारे में। देखिए, क्लोवेस जीएम क्रीम जो है इसकी MRP मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, ज़्यादा महंगी नहीं आती है, ₹50 मात्र इस पर MRP है। ऊपर मैन्युफैक्चरिंग, नीचे एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। अब मैं बताता हूँ उसको किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है और ये आपकी हर एक फंगल इन्फेक्शन, दांत, खाद, खुजली, स्किन इन्फेक्शन, हर एक इन्फेक्शन में किस तरीके से आपको मदद करेगी। देखिए, इसमें 3 कंटेंट फॉर्मूले मिले हैं। एक तो क्लोबिटासोल, जेंटामाइसिन, इसका मिला है माइक्रोजोल। ये बहुत बेहतरीन कंटेंट फॉर्मूले हैं। ये स्किन इन्फेक्शन से संबंधित कंटेंट इसमें मिले हुए हैं। ये आपकी किसी प्रकार की जो बीमारी होती है, इन्फेक्शन होता है, उसको 5 से 7 दिन में ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं और 1 से 1.5 महीने में बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट होता है लगाने का तरीका। अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे। गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे आप तो फिर क्रीम ही बदलते रह जाओगे, आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं लगेगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, आपको क्लोवेस जीएम क्रीम जो है दिन में 3 बार लगानी है। एक बार सुबह लगानी है नहाने के बाद, जहाँ पर भी आपको इन्फेक्शन हो रहा है, दांत, खाद, खुजली हो रही है, ईचिंग, खुजाल चलती है, वहाँ पर अच्छे तरीके से आपको लगाना है। एक बार आपको दिन में लगाना है, एक बार आपको सोते समय लगाना है। आप सुबह और दोपहर में भूल जाएगा, लेकिन रात को सोते समय आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप 1 दिन लगाएंगे, 2 दिन नहीं लगाएंगे, 3 दिन लगाएंगे, 4th दिन नहीं लगाएंगे, ऐसी गलतियां करेंगे तो भी आपकी कोई भी इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। आपको लगातार इस्तेमाल करना है, लगभग 1 से 1.5 महीने तक आपको इसका इस्तेमाल करना है। जब आपका इन्फेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, इसके बाद आपको इस क्रीम का इस्तेमाल फिर 1 महीने तक करना है। आपको ये क्रीम इन्फेक्शन सही होने के बाद भी नहीं छोड़नी है। बहुत से लोग गलती करते हैं, बीच में ही क्रीम को छोड़ देते हैं, उनको ये लगता है हमारा इन्फेक्शन ठीक हो गया है, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है। जब तक अच्छी तरीके से कन्फर्म नहीं हो जाए, ठीक नहीं हो जाए, तो आपको ये क्रीम को लगाना नहीं छोड़ना है। और मैं आपको इसमें वीडियो में परहेज की बात बता देता हूँ। खट्टा, मीठा और तेल वाली चीज़ ये बिल्कुल आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेंगी, तभी आपको फ़ायदे लगेंगे। जिस दिन भी आप ये चीज़ खा लोगे, फिर से आपकी दांत, खाद, खुजली, ईचिंग, ये सब समस्याएं फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आप परहेज बिल्कुल रखिएगा। और भी बहुत सारे परहेज होते हैं, लेकिन पहले आप इतना करिए। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी फायदा लगता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको बहुत बड़ी समस्या है, ज्यादा ही पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत सालों से आप परेशान है, तो सबसे पहले आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा, इसके बाद फिर कोई क्रीम इस्तेमाल करिएगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो से अगर आपको कोई मदद मिली तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल DRX विवेक हेल्थ एंड ब्यूटी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।